कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। स्मैक तस्कर और 18,000 रुपए के नामी आरोपी को 9,00,000 रुपए के स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी पर पूर्व से 6 मामले लंबे थे। आरोपी अंतर्राज्यीय स्मैक बेचने वालों के माध्यम से शिवपुरी में काफी समय से स्मैक के व्यापक कारोबार दे रहा था। कोतवाली थाना प्रभारी रोहित दुबे ने बताया कि 3 अगस्त को पेपर समार रेलवे पुल के पास शिवपुरी पर एक व्यक्ति आसमानी रंग की टी शर्ट और काले रंग का पैंट पहने संदिग्ध अवस्था में खड़ा दिखाई दिया, जो पुलिस को अपनी ओर आते हुए देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस द्वारा घेर कर पकड़ा। उक्त व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 45.20 ग्राम भूरे रंग का पदार्थ स्मैक, जिसकी कीमत 9,00,000 रुपए की विधिवत जब्त कर आरोपी अंतु उर्फ अमित पुत्र बद्री परिहार उम्र 24 साल ग्राम मांडो थाना तेंदुआ जिला शिवपुरी को गिरफ्तार किया गया है। संपूर्ण कार्रवाई की वीडियोग्राफी की गई है। गिरफ्तार शुदा आरोपी से स्मैक का विक्रय करने वाले और नशा करने वाले अन्य व्यक्तियों के संबंध में पूछताछ की गई। बाद में गिरफ्तार शुदा आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शुक्री द्वारा मादक पदार्थों के क्रय विक्रय करने वाले तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश लगातार प्राप्त हो रहे हैं। इसी तारतम्य कल दिनांक 3/8/24 को कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर से पेपर समा जो रेलवे ब्रिज है उसके पास पुलिस को मुखबिर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति स्मैक का क्रय विक्रय करने आ रहा है, जो श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान CSP महोदय के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश में कोतवाली पुलिस ने टीम गठित करके बताए गए स्थान से एक व्यक्ति अंतु उर्फ अमित परिहार निवासी ग्राम माड़ो तेंदुआ को 45.20 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। जो पकड़ी गई स्मैक की कीमत 9,00,000 रुपए है। कोतवाली पुलिस लगातार स्मैक तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है एवं जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जो हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है आम जनता के लिए उस पर भी जो सूचनाएँ मिल रही हैं उस पर भी लगातार कोतवाली पुलिस कार्रवाई कर रही है एवं उस हेल्पलाइन नंबर पर लगातार हमको सूचनाएँ भी प्राप्त हो रही हैं। आम जनता से भी मेरा यही अनुरोध है कि पुलिस पर विश्वास बनाते हुए लगातार पुलिस को स्मैक तस्करों के खिलाफ सूचनाएं प्रदान करें एवं जो स्मैक का नशा करने के आदि व्यक्ति हैं उनको समझाइश के साथ नशा मुक्ति केंद्र में भी भर्ती कराने का कार्य करें। बिल्कुल यदि जनता और पुलिस मिलकर इसमें कार्य करेगी तो हम निश्चित ही स्मैक जैसे इस जहरीले नशे को इस पूरे क्षेत्र से उखाड़ सकते हैं। अभी तक कोतवाली पुलिस ने टोटल कितनी स्मैक पकड़ी है? लगभग कोतवाली पुलिस ने 250 ग्राम से अधिक स्मैक कीमती करीबन 60,00,000 से अधिक की राशि की इसमें जब्त की है और ये मुहिम लगातार सूचना मिलने पर जारी रहेगी। तो आपने जो नंबर एक को जारी किया था उस पे भी आपको कुछ रिस्पॉन्स मिलना? हाँ, वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जो नंबर है उस पर जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो थानों पर भेजी जाती हैं, उन पर लगातार तस्दीक करके अगर तस्दीक में वो सही पाई जाती है उस पर लगातार कार्रवाई की जाती है।